जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि धनबाद लोकसभा सीट को लेकर वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। क्या सरयू राय धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? इसके लिए वो इंडिया गठबंधन से सहयोग मांग रहे हैं। क्या वो अपनी पार्टी का जो विलय है वो इंडिया गठबंधन में कर सकते हैं? इन तमाम सवालों को लेकर के पत्रकारों ने उनसे पूछा और इसके जवाब में सरयू राय ने क्या कुछ कहा, आप पहले सुनिए। और मैं चाहता हूं कि जो इंडिया अलायंस है इसमें ये सीट कांग्रेस को मिली है, और मैंने अपनी बात कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब सहित कई लोगों को पहुंचाया है। ये सीट आपके कोटे में है, आप हर बार उम्मीदवार खड़ा करते हैं, हर बार उम्मीदवार आपका हारता है, इस बार भी खड़ा करेंगे, हारेगा, आप समर्थन दीजिए। मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो या मैं हूँ, आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम लोग इस सीट को निकालेंगे। तो इसलिए मैं वहाँ ना में है हूँ ना हाँ में हूँ, और हमारे साथी बैठे हैं और वहाँ भी एक टीम बनी है, ये लोग लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, संसाधन के बारे लोग आश्वस्त कर देंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। दूसरा कि मुझे तो आपने सुना किस तरह सरयू राय ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ढुल्लू महतो जो है वहां से एक ऐसे प्रत्याशी का चयन बीजेपी ने किया है जिस पर 49 मामले दर्ज हैं और वो कानूनन तौर पर चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं है। बीजेपी ने कैसे उन्हें टिकट दिया है ये बीजेपी बेहतर जानती है, लेकिन किसी भी सूरत में ढुल्लू महतो को पार्लियामेंट जाने से रोकना है तो एक ऐसे नेता का चयन वहां करना होगा जो ढुल्लू महतो को कहीं ना कहीं टक्कर दे सके। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो कांग्रेस के सीएलपी लीडर यानी आलमगीर आलम के संपर्क में है, उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि अगर वो ये कुछ वैसे व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन को उनको सहयोग करना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन सरयू राय ने बताने की कोशिश की है कि कई बार से कांग्रेस ने वहां प्रत्याशी दिया है और हर बार वहां से हार हुई है, लिहाजा इस बार भी कांग्रेस अगर प्रत्याशी देता है जो उसके कोटे में आ रहा है तो जाहिर सी बात है इस बार भी हार होगी, लिहाजा ढुल्लू महतो के सामने एक ऐसे व्यक्ति को सामने लाने की जरूरत है जो उनको टक्कर दे सके। हमें यहाँ ये भी याद रखने की जरूरत है कि जो छात्र नेता जयराम महतो हैं उनकी पार्टी यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा जल्द करने जा रही है और उस सीट पर यानी उस क्षेत्र में खासतौर पर जो स्थानीयता का विषय है, नियोजन का विषय है, जो भाषा खतियान का विषय है, इसको लेकर के एक व्यापक आंदोलन चला है, लिहाजा उस आंदोलन का भी असर है। ऐसे में जयराम महतो किसे अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ढुल्लू महतो के खिलाफ सरयू राय ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है और ढुल्लू महतो के बहाने पूरी बीजेपी को सरयू राय ने आड़े हाथों लिया है और ये बताने की कोशिश की है ये किस तरह से एक आपराधिक क्षेत्र वाले व्यक्ति को पार्लियामेंट भेजने की तैयारी की जा रही है, लिहाजा इसे रोकने के लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन से सहयोग मांगा है। हालांकि अब तक ये कंफर्म नहीं है कि सरयू राय धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो इस बात को अपनी पार्टी पर छोड़ देते हैं और वहां की जनता पर छोड़ देते हैं।